भस्म आरती का महत्व 365 दिन है, लेकिन सावन के महीने में चूंकि भगवान शिव को अधिक प्रिय है सावन का महीना, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाया करता है। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जो भी हमारा निर्धारित समय होता है उससे 1 से 1.5 घंटा पूर्व भगवान महाकाल के पट खुल जाते हैं, उनका श्रृंगार इत्यादि हो करके बाबा को भस्म अर्पित की जाती है। भगवान महाकाल को अगर हम देखेंगे तो निराकार से साकार और साकार से पुनः निराकार, इस व्यवस्था पूरी व्यवस्था को भस्म आरती में दर्शाया जाता है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें, भगवान महाकाल का दर्शन करें और भस्म आरती का आनंद लें और इस दर्शन का दर्शन करके अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आए। अब सर्वे भंत सुखिना, मैं तो चाह रहा हूँ कि सब लोग सुखी रहें, शांति का माहौल बना रहे इस देश में, देश का उत्थान हो, देश का नाम हो, बाबा कृपा सब पर बनी रहे। आज श्रावण का पहला दिन है, आज से शुरू हो रहा है, इस बार 2 महीने का श्रावण है और 8 सोमवार तो किस तरीके का इसका महत्व है इस बार जो 2 महीने का श्रावण? वो जो अधिक मास लगता है इसमें भगवान शंकर के पूजा का ज़्यादा महत्व बताया गया है शास्त्रों में, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो इसमें पूजा पाठ करने को लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा सौभाग्य मिलेगा कि भाई 1.5 महीने 2 महीने तक चलेगा, तो इस वजह से आराम से सब लोगों को दर्शन होगा। 2 महीने का सावन है, भीड़ आज से पूरा चपेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग भोर में आए, दर्शन हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया, अंदर बहुत बढ़िया व्यवस्था अंदर में, कोई दिक्कत नहीं। बाबा का दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया, अभी डायरेक्ट मैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करके बाबा के नगरी आया और दर्शन हुआ, मन एकदम प्रसन्न हो गया। ठीक है, जय भोलेनाथ।